Saurabh, are you there? Yes, sir, I'm here, sir. Very nice. So, ladies and gentlemen, can we welcome Saurabh also? Saurabh Mittal. वेरी गुड। सो सौरभ, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लो, मैं सबको म्यूट। ग्रेट, तो कैसा लग रहा है वेलकम होने में? पहले आप वेलकम करते थे, अब आपको वेलकम। सर भाई कह रहा सर, एक बार तो सर नर्वसनेस ही आती है थोड़ी सी। और दूसरा हम लोगों का बिजनेस है कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो हाईएस्ट इस समय कॉम्पिटिटिव मार्केट है, दैट इज द स्टॉक ब्रोकिंग, वेयर ज़ेरोधा, एंजल एंड ऑल द बिग बैंक्स आर देयर। सो वी आर कॉम्पिटिंग इन दैट सेगमेंट। तो ये जो स्टॉक ब्रोकिंग है, ये भी अभी इस समय काफी कमोडिटाइज्ड हो गया है। सर कमोडिटाइज्ड हो गया है मतलब द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज वेरी लो, द पीपल आर प्लेइंग ऑन जीरो ब्रोकरेजेस, मतलब व्हाट एवर यू कैन थिंक ऑफ इन द वर्ल्ड इट इज देयर। सर सारी डिजिटल इसमें एप्लीकेबल है, मतलब यू नीड हाई लेवल ऑफ मार्केटिंग, यू नीड हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट, तो सारी ही चीजें इसके अंदर चाहिए। मतलब यू हैव टू बी अ परफेक्ट पर्सन इफ यू रियली वॉन्ट टू ड्राइव दिस बिजनेस। वेरी नाइस जी, तो बताइए जी, आप क्या प्रोडक्ट करते हो, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? सर हम लोग बेसिकली स्टॉक ब्रोकिंग में है, मतलब वी आर केटरिंग टू द ट्रेडिंग कम्युनिटी, जो लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, इक्विटीज के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, या आप ऐसे मान के चलिएगा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। सो वी प्रोवाइड देम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एन एप्लीकेशन वेयर दे कैन गो एंड ट्रेड, वो प्रॉपर जगह सर ट्रेड कर सकते हैं। गुड, बताइए जी। तो आइडियली सर क्या था इसमें कि जो रिटेल सेक्टर था हम लोगों का, ऑल्दो वी आर इनटू ब्रोकिंग फ्रॉम 2012, बट रिटेल सेक्टर हम लोगों का शुरू से ही अच्छा नहीं कर पा रहा था। वी वर कंटिन्यूअसली इनटू लॉसेस, मतलब हर साल एक करोड़ रुपए का लॉस हम लोग देते आ रहे थे फ्रॉम पास्ट 4-5-6 इयर्स। और आपका तो बड़ा स्पेसिफाइड है, आपको तो 1-to-1 सबको हैंडल करना पड़ता है, आपके क्लाइंटों को 1-to-1 अटेंशन चाहिए। हाँ सर, 1-to-1 अटेंशन चाहिए, एंड मतलब जो और उसका जो पे आउट है क्लाइंट का, जैसे रेस्पेक्ट ऑफ द ज्वेलरी बिजनेस वेयर द ग्रॉस मार्जिन्स आर वेरी वेरी हाई, हमारे केस में सर क्लाइंट्स हमें पूरे साल में जाकर के 1,000-2,000 रुपए मिलते हैं क्लाइंट से। सो दैट इज द काइंड ऑफ, मतलब उस वैल्यू के ऊपर हमें एक प्रॉफिटेबल मॉडल बनाना, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है सर। ओके, तो बिफोर एएसपी आपको सेल्स में क्या चैलेंज थे? सर बेसिकली हम लोगों का जो चैलेंज था इसके अंदर वो ये था कि हम लोगों का जो एवरेज रुपीज सेल है, मतलब वी वर एक्चुअली अक्वायरिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो हमारी एक्चुअली टॉप लाइन तो हमारी बन रही थी सर उसके अंदर, बट व्हाट वाज हैपनिंग कि जो क्लाइंट्स हम लोग एक्वायर कर रहे थे उन क्लाइंट्स से हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा था। बेसिकली हमारे बिजनेस में सर क्या होता है कि जैसे आपने अगर कोई भी अकाउंट खोला हमारे यहाँ, तो पहले दिन तो हम लोग सेल कर नहीं रहे, वी वुड बी सर्विसिंग यू फॉर द नेक्स्ट 12-15 मंथ्स, तब आप हमारे साथ जो भी ट्रेडिंग करेंगे उसके अंदर हम एक ब्रोकरेज जनरेट करेंगे सर आपके साथ, तो वो जो ब्रोकरेज है दैट बिकम्स अवर रेवेन्यू। तो अब वो क्या रहता है कि सर आई ऑल्दो क्योंकि मैंने एक्चुअली आई डिड बीएमपी इन 2019, तो उस समय मैंने सर सारे सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने मनुष का कोर्स किया, एंड दैट कोर्स वाज फैबुलस, सुपर्ब, मतलब बीएमपी तो था ही सर बहुत अच्छा कोर्स। उसके बाद मैंने जब मनुष का कोर्स किया तो हम लोगों ने अनलिमिटेड लीड्स जनरेट करना स्टार्ट कर दी, मतलब वी कुड जनरेट एनी अमाउंट ऑफ लीड्स एट अ क्लिक ऑफ अ मोमेंट दैट वी वांटेड। बट द बेसिक इशू क्या आ रहा था कि वो जो लीड्स हम लोग जनरेट कर रहे थे उन लीड्स से हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा था। सो ऑल्दो वी वर गेटिंग अकाउंट्स, वी वर कन्वर्टिंग अकाउंट्स, बट वो रेवेन्यू आ ही नहीं पा रहा था। देन जैसे ही हम लोगों ने एएसपी किया, तो एएसपी में फिर मुझे जो है ना सर आपका ये जो एवरेज रुपी सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में आया कि भाई हाउ कैन आई लिंक माई एक्विजिशन टू योर एवरेज रुपी सेल। तो हम लोगों ने फिर उस केस में सर क्या किया कि क्लाइंट अपने जो प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट्स तो है नहीं सर आज, देन वी क्लासीफाइड आवर प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो मैंने 25-30 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए, उन प्रोडक्ट्स की सबकी एक लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट की, और उस लाइफ टाइम वैल्यू के कैलकुलेशन के बेसिस पर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 15% का एक एवरेज रुपी सेल निकाल करके उससे लोगों की सैलरी से उसको लिंक कर दिया। So what we did कि basically जो lifetime value के basis पर सब लोगों ने acquisition शुरू कर दिया, अगर मैं इसको बहुत क्रूड भाषा में सर बोलूँ अभी।
आप ना बेसिक बेसिक बता दो, ये समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि के ऊपर से जा रहा है सबकी। मतलब सर एवरेज रुपी सेल है, जैसे मैंने सब जैसे कोई एक मिनट आप ये सब छोड़ दो क्योंकि ये ना बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। आप ये बता दो कि, या आप एक बार कुछ अपनी एक आधा शीटें खोल के दिखा दो कि आप इस समय कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो और आपको क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी नहीं समझ में आएगा। सर आप कहाँ की बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, अभी इन्होंने ये लोग अभी ये लोग कर रहे हैं कि हाँ जी वर्क डन वर्क नॉट डन, ये सब में फंसे हुए हैं, इनको कुछ कोई आइडिया नहीं है। हाँ बट सर मैं बेसिक बता रहा हूँ कि जो हमारा जो गेम चेंजर रहा ना सर, बाकी मैं शीट्स दिखाता हूँ सर इनको। तो शीट्स के अंदर सर आइडियली क्या है कि जैसे अभी हम लोगों ने सर क्या किया, दूसरा जो हम लोगों ने किया कि वी डिवाइडेड आवर एंटायर बिजनेस, कि हम लोगों ने सर एक सीआरआर और एनबीडी हम लोग एक साथ चलाते थे सर। पहले आप न्यू क्लाइंट और एग्जिस्टिंग क्लाइंट सब कुछ इकट्ठा था, सब इकट्ठा था सर हम लोगों का। तो उसके अंदर सर हमें दिक्कत क्या आती थी कि कहीं ना कहीं जो है सर वो जो आपका कॉन्सेप्ट था कि आइडली एक लेवल पर जाकर के हमारी ग्रोथ रुक गई थी, तो देन वी सेपरेटेड एनबीडी एंड सीआरआर, उसको बिल्कुल हम लोगों ने अलग अलग कर दिया सर। तो जो हमारी सर्विसिंग टीम है वो अब आज की तारीख में अलग है, और जो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट टीम है वो बिल्कुल अलग है। न्यू अब एक मैम आपको इसके नंबर्स अभी दिखाता हूँ सर आपको जस्ट। जैसे सर आइडली हम लोगों ने जो सीआरआर जो इम्प्लीमेंट किया था उसके अंदर आप ऐसे मान के चलेगा सर, जो एवरेज रुपी सेल था हम लोगों का इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब मैंने कोर्स मोटा मोटी सर जून में स्टार्ट किया था मैंने, अप्रैल में हमारा जो एवरेज रुपी सेल था, आई थिंक भाई मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? नहीं अभी आपकी ऑन नहीं हुई, एक बार मैंने शेयर तो कर दिया उसको, एक बार फिर से शेयर कर लीजिए। हाँ एक सेकंड, अब स्क्रीन अवेलेबल है सर मेरी? हाँ है ना। अब इसके अंदर सर आप एक कॉलम देख रहे होंगे वेटेड एवरेज रुपी सेल का कॉलम, ये बेसिकली जो है आप ऐसे मान के चलेगा कि सर मेरा पहले दो महीने का रेवेन्यू है जो मैं क्लाइंट से एक्वायर कर रहा हूँ, जो भी मैं क्लाइंट एक्वायर कर रहा हूँ उससे पहले दो महीने में मैं क्या रेवेन्यू बनाता हूँ उसका नंबर है। बहुत क्रूड भाषा में सर अगर बोलता हूँ तो ये जब हम लोगों ने अप्रैल में स्टार्ट किया था सर इट वॉज 72,500, और आज की तारीख में सर हम लोगों ने जो मार्च में क्लोज किया इट इज 5,02,000। क्या 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 कितना बढ़ गया, 72,000 से लेके 5,02,000 है सर अभी। 72,000 से आपने इंक्रीज करके 5,00,000 कर दिया है जी। और सर इस साल का हमारा जो टारगेट है अराउंड 50,00,000। कितना? 2024 वी वांट टू क्लोज एट 50,00,000। माय गॉड, आप कह रहे हो 7,000 से 72,000 से सर 72,000 से 5,00,000 कर दिया, 5,00,000 से आप 50,00,000 पे जाना चाह रहे हो पर क्लाइंट? यस सर, ये बेसिकली आप मान के चलेंगे कि जितने भी मैं क्लाइंट एक्वायर कर रहा हूँ उन क्लाइंट्स का पहले दो महीने का रेवेन्यू है सर, फर्स्ट टू मंथ, उसके बाद क्लाइंट जो है वो मेरे के बोनस है। वाओ वाओ, और आप कितने साल से बिजनेस कर रहे हो सर? मुझे ये करते हुए करीब 15-20 साल हो गए सर बिजनेस करते हुए, मतलब ब्रोकिंग के अंदर करीब 16 साल हो गए सर आज। वाओ, सो गाइस Would you want yes, sir. अरे guys, everybody else. मतलब 72,000 से 5,00,000, 5,00,000 से 50,000, 50,00,000 मेरे से नहीं बोला जा रहा 50,00,000। नहीं सर, बट एक्चुअली सर क्या है जो आपने सिस्टम्स बनवाए ना, लाइक सर यू हैव सेपरेटेड एनबीडी एंड सीआरआर, या जो हम लोगों ने वेटेड एवरेज रुपी सेल, क्योंकि पहले हमारे जितने भी लोग एक्वायर करते थे, ये आप एक चीज देखिएगा ना सर कि मैंने मई के अंदर आई हैव एक्वायर्ड क्लोज टू 500 क्लाइंट्स। वाओ, 500 क्लाइंट्स से जो मेरा पहले दो महीने का रेवेन्यू आया वो आया 72,500। नीचे जाओ और इसके नीचे सर अगर मैं बात करता हूँ मार्च के अंदर, सो मार्च में हमारा जो क्लाइंट एक्विजिशन था वो इट बिकेम अराउंड 340-350 क्लाइंट्स, और जो हमारा रेवेन्यू था 72,500 से भरकर के हो गया सर 5,02,000। तो हम लोगों ने जो आपने कहा था ना सर कि रॉकेट क्लाइंट्स, उस तरह के क्लाइंट्स के ऊपर बहुत मेजरली अपने आप फोकस शुरू हो गया जिस तरह का हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिजाइन किया सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके तो इसको बंद करो अभी। हाँ सर, एक शीट और मैं दिखा रहा हूँ सर इनको। ये है सर मतलब ये एनबीडी की शीट है, यानी कि जो न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, जो मेरी न्यू बिजनेस डेवलपमेंट की शीट है जो पहले एनबीडी और सीआरआर एक साथ करती थी सर। इसके अंदर सर आप ये देखिएगा एक फिगर आपको दिख रहा होगा वॉट टाइम्स का, दैट इज कॉलम 80।
कॉलम एपी एटी 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 जो कॉलम है सर, हाँ जी है ना, इसके अंदर सर हम लोग जो जैसे सपोज आप मान के चलिएगा कि मेरी टीम की कॉस्ट सपोज 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए के हिसाब से पहले जो ये मेरा फर्स्ट 2 मंथ से मुझे जो रेवेन्यू निकाल के देती थी वो टीम, दैट वॉज 0.15 एट अप्रैल। हाँ 0.15 है पहली जो पहला जो है गाइस कैन यू सी दिस गाइस कैन यू सी इट ओके तो पहला पहले कितने सॉरी कितने पे 1.5 होता था, ये होता था सर करीब जैसे 40-30 लोगों की टीम थी हमारी, तो ये 0.15 होता था। जैसे सर जो टीम की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, तो मैं उससे 0.15 टाइम्स अचीव कर रहा हूँ ऑफ द न्यू क्लाइंट एक्वायर्ड बिजनेस, यानी कि मुझे जो वो पैसा कमा के दे रही थी दैट वॉज अराउंड मे बी 60,000-70,000 रुपीज एज अगेंस्ट माई एक्सपेंस ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन द सेम टीम। तो 5 लाख रुपए पे वो 60,000 रुपए कमाती थी, 60,000 रुपए का मुझे धंधा देती थी, धंधा देती थी ओके। फिर अब सर दिस नंबर इन अप्रैल हैज गॉन अप टू 1.36 टाइम्स, 1.36 टाइम्स। नाउ दिस टीम इज प्रॉफिटेबल, यस द टीम इज प्रॉफिटेबल एंड वी आर प्लान, मतलब ये हमारा करीब करीब जो टारगेट है वी वुड एक्चुअली गो अप टू 2.5 टाइम्स। सो दिस होल टीम बिकम्स नाउ स्केलेबल, अब ये टीम प्रॉफिट सेंटर बन गई है। हाँ ये प्रॉफिट सेंटर बन गई, तभी सर हम लोग जो है आज ऐसे मान के चलेगा ना, सिंस इट इज अ प्रॉफिट सेंटर सो फ्रॉम 5 लाख नाउ वी आर टारगेटिंग 50 लाख, क्योंकि इसका जो पूरा मैकेनिज्म है पीछे का, दैट विद द हेल्प ऑफ एएसपी जितनी भी आपने चीजें बताई सर, जैसे हम लोगों ने मार्केटिंग और सेल्स को सेपरेट किया या हम लोगों ने एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अलग क्रिएट किया, जितनी भी चीजें आपने बताई ना सर, नाउ दैट इज एन इंजन, तो अब हमें कुछ करना नहीं है उसके अंदर, तो ओनली थिंग वी हैव टू डू इज कि भाई ठीक है आप लीड्स इंक्रीज करते चले जाओ एंड द थिंग्स वुड एक्चुअली ऑटोमेटिकली फॉलो इन प्लेस। वेरी गुड, तो पूरा इंजन बन गया है, पूरा इंजन बन गया सर, सेल्स का इंजन। हाँ सर, और ये पूरा सर आप ये मान के चलेगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना सर, दैट इज सपोज टू बी द टफेस्ट, मतलब इतने कम नंबर्स के ऊपर इस तरह की चीजें कर पाना। हमारा जो सर एक्टिवेशन था, क्लाइंट एक्टिवेशन जितने हम लोग एक्वायर करते थे सर इन जून, दैट वॉज 10%, जितने भी मैं क्लाइंट एक्वायर करता था 10% क्लाइंट एक्टिव होते थे, नाउ दैट एक्टिवेशन रेशियो इज अराउंड 90%। नहीं समझा नहीं, एक बार तो पहले तो शेयरिंग बंद करो। हाँ सर एक, पहले कितना था 10% से क्या आप समझा नहीं। जैसे कोई भी क्लाइंट मैं एक्वायर करता हूँ सर, तो आइडियली हम एक्विजिशन उसको मानते हैं जो बंदा पहले 2 महीने में ट्रेडिंग कर ले कुछ भी, है ना, तो पहले मेरा जो एक्टिवेशन था क्लाइंट का दैट वाज 10%। अब उड़ गए आप, बम बम बम। सौरभ दिख तो रहा है, सौरभ सौरभ तो कहता जयंत कहता कनेक्शन तो हमारा भी उड़ गया। ओके गाइस, आप लोग शीट शीट बना रहे हो, ऑटो पायलट खेल रहे हो, आपके पास ऐसी सारी शीटें हैं क्या गाइस? आपके पास ये वाली शीटें हैं, आपने ये वाले सिस्टम बना लिए, आपको ये वाले सिस्टम काम आएंगे कि वो वाले सिस्टम जो बना रहे हो वो काम आएंगे? डू यू वॉन्ट टू मेक सिस्टम इन सेल्स और डू यू वॉन्ट टू मेक सिस्टम इन ऑटो पायलट? हफ्ते में दिन तो 5 ही हैं। ओके सौरभ सेल्स में काम करना है, काम किस में कर रहे हो, जरूरत कहां है, जरूरत कहां है काम करने की, जरूरत है आपको काम करने की। हां जी सौरभ आप अनम्यूट कर सकते हो। सौरभ हाँ, बेसिकली सर क्या था कि ये जितनी भी चीजें आपने बताई ना सर, इसके अंदर जैसे आपने बोला कि सर सेल्स और मार्केटिंग को आप सेपरेट कर लो, या आपने बोला कि सर एक प्रोडक्ट टीम रख लो आप, सो व्हाटएवर यू टोल्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी केप्ट ऑन इंप्लीमेंटिंग ऑल दोस थिंग्स। जैसे आपने बोला सर, एक बार शायद आपको ध्यान होगा, आई केम इन द मीटिंग एंड आई आस्क्ड यू कि सर एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में बना लूं सर, शैल आई गो फॉर सौरभ बेचारे का ना सिग्नल सिग्नल ही नहीं चल रहा सौरभ का आज,
ओके नेवर माइंड सौरभ, सौरभ इज गॉट आउट हैंग्ड, हैंग्ड आउट, आउट हैंग्ड, गाइस आपको समझ में आ रहा है क्या? एक अनम्यूट करके बताओ क्या समझ में आ गया प्रिया? यस सर। तो ऐसे ही हर, अब आपको समझ में आ गया कि फाइनेंस इंडस्ट्री में भी चलता है, तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में चलता है, समझ में आ रहा है? हर इंडस्ट्री, हर प्रोडक्ट, हर बिजनेस, एवरीथिंग इट वर्क्स, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल वर्क। सिंग सेल्स इज अ नंबर गेम, इतना डेटा देख के। हाँ, और ये सब आपका सिस्टम है ही नहीं, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो। अग्रीड सर, अग्रीड, अग्रीड। पीयूष को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सर कि दो साल तीन साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया मैंने। हाँ, वो ये तुम्हारी पायलट ऑटो पायलट के लिए लगे पड़े रहे, लगे पड़े रहे। आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग वेस्ट हो गए सर, बट एनीवे विल कैच अप। यस, अब ये जो नया बैच है उनको बता दो, ये अभी नए बैच में भी यही करने वाले हैं, हम ऑटो पायलट करेंगे, हम ऑटो पायलट करेंगे, हम ऑटो पायलट करेंगे, हम ऑटो पायलट करेंगे, फिर तीन साल बाद वापस आएंगे, फिर बोलेंगे अरे यार ये क्या कर रहा था मैं, ऑटो पायलट से तो कुछ हुआ ही नहीं, उससे अच्छा तो यही कर। ऑटो पायलट से बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, बट ये जो होने वाला है दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। ये नेक्स्ट लेवल का गेम है, आपको ये देखना है कि आपको फायदा किस चीज से होने वाला है, वेयर इज योर स्टोरी, What is your story? And उस पे गेम खेलना है। Yes, Saurabh, are you back? Sir, really sorry, sir. Actually, जो है there is something wrong with my network. No problem at all. हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ सर कि ये जो छोटी छोटी चीजें आप बता रहे हैं ना, जैसे मैं ट्रेनिंग की आपसे बात हूँ सर, the moment we have implemented training, हम लोगों ने उसका एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, and it is doing a fabulous job. मतलब ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स है ना सर, मैंने ये फील किया कि जैसे जैसे प्रोडक्ट रिसर्च हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, सेल्स एंड मार्केटिंग का हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करते थे, ट्रेनिंग हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, दीज वर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट वी वर डूइंग। ये सारे आपके जब कोर्स में आया, एक एक चीज जब आपसे समझी ना सर, एंड देन एज एंड व्हेन वी कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग, हर चीज का इम्पैक्ट आना लगता है। नाउ वी आर इन की भाई चीजें जो है ना सर, धीरे धीरे करके एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की पावर रख रहे हैं सर, एंड दैट टू इन सच अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज। Very good, जी, very good. Thank you so much, Saurabh. So, ladies and gentlemen, can we? So, basically, Saurabh, ASP और BMP में फर्क क्या है? सर देखिए, BMP तो क्या है कि it is more of systems. It is totally systems. कि आप एक systems को drive कर रहे हो, and in ASP you are learning how to sell, how to do marketing, product development. मतलब ये दोनों चीजें सर बिल्कुल अलग अलग हैं सर, they are two separate training programs. मतलब आपस में कहीं कोई लिंक ही नहीं है। अलग अलग क्यों है? अलग अलग इसलिए सर कि वहां पर आप एक ऑपरेशन सीख रहे हो सर, आपको सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, या जैसे आप ऐसे मान के चलिएगा कि सेल्स एफएमएस है, ये सारी चीजों के बारे में आपको अंदाज ही नहीं है, और इतने शॉर्ट टाइम में सर आप उसको कवर अप कर ही नहीं सकते। सर, आई हैव अ क्वेश्चन टू सौरभ सर। सौरभ जी को एक क्वेश्चन है, सौरभ जी, माई कंफ्यूजन नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट फाइनली हम एएसपी सीखने के बाद जो BMP की जो सिस्टम्स लगाई है, एट द एंड ऑफ द डे वी विल हैव टू इंटीग्रेट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, राइट? दो पैरेलल तो चलने वाला नहीं है, तो यू नीड टू हैव दैट बेसिक प्लेटफॉर्म ऑफ BMP देयर, एंड देन फाइनली आफ्टर लर्निंग ASP यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद योर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। नहीं देखिए, इसमें क्या होता है ना, जो आपको सर बता रहे हैं ना, दैट इज ऑलरेडी इन लाइन विद द BMP। ऐसे समझिए जैसे सेल्स FMS है आज, so अगर अपन operation FMS implement कर रहे हैं, it is one of the things you have learned to implement a sales FMS, operation FMS, same is the sales FMS. Yeah, मैं आपको maybe the structure is the same, but at the end of the day we'll have to integrate ASP to BMP, am I right sir? नहीं, सुनो, सर आप answer करिए सर। मैं, आपने FMS की? Yes sir। IMS की? Yes sir। BMS की? Yes, sir. ये सब अलग अलग है, बट इकट्ठे इंटीग्रेट होके पूरा सिस्टम बनता है। Yes, sir. तो ये सारा इंटीग्रेट होके सीधा MIS में आ जाता है, एंड में इंटीग्रेशन MIS है और कुछ नहीं है।
चलो सर अब कोर्स में सीखेंगे सर. आई आई डोंट वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस. आई जस्ट वांट टू गो इन एंड आपको एमआईएससी तो चाहिए ना सर इसमें. व्हाट इज द नीड ऑफ एमआईएस? इट इज एन ऑपरेशन एमआईएस, इट इज अ सेल्स एमआईएस. वही नंबर है, वही साइंस है सर. इट इज बेसिकली द हो जाएगा सर. करो तो जानो कोर्स है इसका. yes, sir, yes. नहीं मतलब ये साइंस के ऊपर से ही निकलेगी वरना. राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी थैंक सौरभ सर. एक सजेशन और था मेरा कि मतलब एक चीज भी अगर इसमें से मिल गई ना सर किसी को भी, मतलब इफ इफ आउट ऑफ 40 थिंग्स यू गेट इवन वन थिंग, इट इज मोर देन इनफ. मतलब इतनी सारी चीजें सबके मतलब की नहीं होंगी, बट इसमें से अगर एक दो तीन चीजें भी किसी ने पकड़ ली तो उसका काम हो जाता है सर. Thank you, Saurabh ji. Thank you, Saurabh. Thank you. Thanks.